मेरे साथ तन्मय है आज ही सारे गामापा में, आप उनको देख ही रहे हैं और मेरे ख्याल से आप जितने वोट्स कर सकते हैं अपने साथ उनको मैक्सिमम वोट कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो एक ऐसी रूह हैं जो दिल से गाते हैं और रूह से गाते हैं और छोटे किड्स के आप में बारे में देखती हूँ और आज मैं उनकी आपकी मुलाकात भी उनसे कर रहा हूँ। हाय तन्मय, क्या हाल चाल है? बिल्कुल, आप सबकी दुआएं हैं, अच्छा हूँ एकदम। और एकदम छा गए इस बार भी सारे गामापा में, बस सबका सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद है और सब वेट कर रहे थे इसी दिन का कि मैं आऊँ फिर से, बहुत समय बाद आया हूँ और कोशिश है कि सबका सर फिर से उसी तरह ऊपर रहे और सब मेरी गायकी को फिर पसंद करें। काफ़ी इंतज़ार कराया आपने? ऑलमोस्ट 10 साल इंतज़ार कराया, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं अपने आप को, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की उम्मीदें टूटे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और उस पे मेहनत कर रहा हूं। लेकिन जो जोली नेचर था आपका गाने के साथ साथ सबको हंसाना भी, एंटरटेन भी करना, वो अभी तक आपने बिल्कुल उसी अंदाज में आके वापसी कमबैक किया? मुझे लगता है ये जो मेरा जॉली नेचर या ये जो मेरा बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ करने वाली बात है, मुझे लगता है ये माहौल में थोड़ा पॉजिटिवनेस बना के रखती है और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा म्यूज़िक होगा और म्यूज़िक कभी भी नेगेटिव होके नहीं हो सकता। तो मैं लोगों को बस पॉजिटिव रखने का काम कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग देम स्माइल एंड उसके बाद वो और अच्छे से सुन पाते हैं। ये 10 साल पीछे कहाँ थे आप, क्या कैसे बीते? ये 10 साल मेरे सारे फैंस और मेरे सारे सपोर्टर्स के साथ बीते हैं। मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, बहुत सारे शोज़ किए हैं, लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ, उनको इंटरटेन किया है पब्लिकली, बाकी रियाज़ किया है, सीखा है, प्रॉपर तैयार किया है ख़ुद को कि मैं आज यहाँ पे हूँ या यहाँ पे आ पाऊँ, और वो रियाज़ अभी भी चल रहा है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो चलता रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समय है कि मैं फिर से अपने फैंस और अपने सपोर्टर्स की उम्मीदों पे खरा उतरूं। इस बार के सारे गामों पर कि कितने आप सोचते हैं कितने करीब पहुँचेंगे जीतने के? देखिए, सारेगामापा जीतना या हारना वो बात की बात है, वो तो बहुत बात का खेल है, बट मेन मकसद जो हम लोग का है, जो हमारा टाइटल है, जो हमारा टैगलाइन है, म्यूज़िक से बने हम, म्यूज़िक से बने हम सब, है ना, और हमारा जो मेन मकसद है कि हर भेदभाव से परे हम, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कोई भी भेदभाव ना करें और हम सब म्यूज़िक से बने हुए हैं तो वो म्यूज़िक हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए और इसी मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तन्मय, आपने एक बच्चों के लिए एक आइडियल शराब बन चुके हैं मेरे ख्याल से, जो बच्चे अपने कैरियर में शुरुआती दौर में स्कूल से भी हम देखते हैं कि चाहे वो पढ़ाई ना करें लेकिन अगर सिंगिंग को अपना कैरियर बनाए, तो जैसे आप शुरुआती दौर से आज उभर के धीरे धीरे आप काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग दे भी चुके हैं फिल्मों में, आप नाम भी बन चुके हैं, अपना एक ब्रांड, अपना नाम बना चुके हो तन्मय एक सिंगिंग स्टार जो है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उन मैसेज प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बच्चों को तो जो मैसेज देना चाहूँगा वो तो अलग है, बच्चों से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज उनके पेरेंट्स को, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जाता है और बहुत सीरियस मैसेज है। मैं हंसता खेलता रहता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें मेरे भी दिमाग में हैं और फिलहाल मैं देख रहा हूँ जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं वो अभी इतना ज़्यादा अभी नहीं चल रही हैं लोगों के अंदर। पहले होता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पहले ऐसी बातें कही जाती थी, अभी तो चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है, लेकिन अभी इसे और बदलाव कर रहे हैं। तो मैं बस लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की दिल की बात सुने, क्योंकि हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी कभी बच्चा था, हम जो बच्चे हैं वो मोती हैं और सब अलग अलग मोती बिखरे हुए हैं और अगर हमें एक माला में पिरो दिया जाए तो हम बहुत खूबसूरत माला बन सकते हैं। तो हम लोग की जो अपनी खुद की हॉबी है, अपना खुद का जो अपना काम है, उस पे थोड़ा फोकस किया जाए। हम सारे पेरेंट्स, सारे मदर और फादर से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों की जो उनकी पर्सनल हॉबी है, वो जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ भी हो, अब उन्हें उसमें आगे बढ़ने दें, वो उसमें ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं एक लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक जो आपका अभी चल रहा है, अभी तक ये शो चल रहा है, इसमें आप अपने रियल अपोनेंट्स किसको देखते हैं, किनसे ज़्यादा हुआ है जब इस कंपटीशन में तो आ ही चुके हैं? देखिए, अपोनेंट्स तो मेरे सारे ही हैं, कंपटीशन मेरा सभी के साथ है, बट मेरा सबसे बड़ा अपोनेंट है मेरा गुरूर, मेरा सबसे बड़ा अपोनेंट है मैं खुद, क्योंकि मैं खुद को बेहतर करने आया हूँ यहाँ और हर दिन हर वक्त
कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर कभी वो गुरूर ना आए, मैं उसे हराता रहूँ। तो वो एक बहुत बड़ा अपोनेंट है, वो अगर आ गया ना तो मैं हार जाऊँगा। और दूसरा मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं हमेशा अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करूँ। कल मैंने जो परफॉर्म किया है मैं आज उससे बेहतर करूँ, कल उससे भी बेहतर करूँ, और ख़ुद को चैलेंजेस देता रहूँ। बाकी जो कंपटीटर्स हैं वो तो हैं ही, तो उनके साथ कंपटीशन वाला कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है। हम सब दोस्त हैं, हम सब साथ हैं, हम सब एक ही मकसद पे आगे बढ़ रहे हैं। बट सबका मेन मकसद यही है कि म्यूज़िक प्रमोट होना चाहिए और आप अपने आप से अपने आप को बेहतर करते रहो। तो आप ठीक देख रहे हैं, तन्मय जो एक अच्छा कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, कितनी अच्छी बातें वो करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में। और हम भगवान से गुजारिश करेंगे कि इस शो के बाद बॉलीवुड के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में हम देखें सुने उनको। और हमारी पूरी गुजारिश है कि इस बार जी सारे गांव पर भी आप जीत कर आएँ, और दिल्ली 99 टीवी की पूरी हमारी आपको बेस्ट विशेज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। दो लाइनें आप दिल्ली 99 के लिए, दो छोटी सी लाइनें अगर सुनाए तो। जिस्म कहे ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा।